मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी छात्रा का मामला लेके आए हैं जो कि एक्चुअली में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। उसने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है कि जापानी सरकार ने भी उसको वहाँ पर बुलाया है, इनवाइट किया है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कमाल किया है जो कि हमारे देश में तो चर्चित हो ही रहा है पर विदेशों में भी काफी ज्यादा चर्चा में बन चुका है। चलिए उस लड़की के बारे में आपको बताते हैं। पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। पूरी अपडेट जानने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे मार्केट में ऐसी सब चीजें जो कि हमारे टैलेंट ने बनाई है, हमारे इंडिया के टैलेंट ने बनाई है, वो आनी चाहिए या नहीं। अगर वो आ गई तो आपको कितना ज्यादा फायदा होगा जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने यूपी के झांसी से आ रहा है, बताया जा रहा है कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की जो जिसका नाम है कल्याणी, उस कल्याणी ने कुछ बहुत ही बड़ा एक कमाल किया है। बोला जाता है कि बहुत ही सारे टैलेंट जो है वो हमारे देश में है और धीरे धीरे वो टैलेंट जो है वो बाहर निकलते ही रहते हैं, निखरते ही रहते हैं। हालांकि शहर में ही काफी सारे टैलेंट है और देखा जाए तो गांव कस्बों में भी बहुत सारे टैलेंट ऐसे है जो कि आए दिन कुछ ना कुछ जब कुछ चीजें वो कमाल की करते हैं तब एक्चुअली में उनको सुर्खियां बटोरने के लिए टाइम नहीं लगता है। इसीलिए कल्याणी ने एक छोटा मिनी एसी बनाया है। वो एक छोटे से कस्बे में रहती है और जो मिनी एसी उसने बनाया है ये एक्चुअली में बिजली से नहीं चलता, ये सोलर ऊर्जा से चलता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का है। और इस कल्याणी ने ये सब चीजें इसलिए बनाई क्योंकि गांव वालों को गर्मी से काफी ज्यादा परेशानी है, एसी कोई एक्चुअली में खरीद नहीं सकता। अगर चलो कैसे बिना कैसे करके एसी खरीद भी लिया, लगवा भी लिया, बिजली का बिल एक्चुअली में वो हर मंथ इतना दे नहीं सकते हैं, इसीलिए पूरे गांव वालों को देख के और अपने घर को देख के कल्याणी ने कुछ अलग ही कमाल का करना सोचा। उसने थर्माकोल लिया और थर्माकोल से अलग अलग तरीके से एक्चुअली में अलग अलग मेटल से उससे 100 रुपए की लागत में एक मिनी एसी को बना डाला। और मिनी एसी को बनाने के बाद इसने अपने स्कूल प्रोजेक्ट में, अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में दिया। कॉलेज प्रोजेक्ट में देने के बाद इसको नेशनल स्तर तक भेजा गया जहां पर बहुत ही ज्यादा तारीफ हुई कल्याणी की और कल्याणी के प्रोजेक्ट की। और कल्याणी के प्रोजेक्ट के बारे में जब लोगों को पता चला, जब इंटरनेशनल लोगों को पता चला, जब तब जापान ने इसकी टेक्निक को पाने के लिए, एक्चुअली में जानने के लिए वहां पर कल्याणी को अभी इनवाइट किया है। अभी कल्याणी जाएंगी या नहीं जाएंगी उनके ऊपर डिपेंड है, पर उसी के साथ साथ लोगों का कहना ये है कि अगर ये चीजें बाजार में उपलब्ध हो जाए तो आम आदमी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली में थोड़ी देर में ही अगर नॉर्मल तापमान आपके पास है तो 4 से 5 डिग्री ये कम कर देता है और ठंडा कर देता है। सोलर ऊर्जा चलता है इसीलिए प्रदूषण ज्यादा नहीं होता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।